कसरावद निमरानी औद्योगिक क्षेत्र की गवर्नमेंट दुकान से सोमवार मंगलवार के दरमियानी रात हुई चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा है। यह तीनों ग्राम सिंगाचोरी के निवासी है। दुकान के 1.5 लाख रुपए के मूल्य की 600 टी-शर्ट चुराने के बाद बड़वानी बेचने की तैयारी में थे। मोबाइल का खर्चा अन्य शौक पूरे करने के लिए गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। बलकवाड़ा थाना TI सुरेश महाले और चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित मयंक का गारमेंट्स का ताला तोड़कर रात में 600 टी-शर्ट चोरी हो जाने की सूचना मिली थी। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मुखबिर ने सिंगा चोरी में 3 लड़कों को इस घटना में शामिल होने की आशंका जताई थी। पूछताछ करने पर चोरी कबूल कर लिया है। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। घटना हुई थी, क्या कुछ मामला है? देखिए, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नकबजनी चोरी की घटनाओं को लेकर काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके संबंध में मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया था। इसी को लेकर सिंगा चोरी में गारमेंट्स की दुकान में चोरी हुई थी। इसके अंदर बदमाश 3 बैग, जिसके अंदर 600 टी-शर्टें थी, उसको चुरा कर ले गए थे। इस संबंध में सूचना तंत्र को मजबूत किया गया और उनकी सतत पतारसी की गई और इसके अंदर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 600 टी-शर्ट बरामद की गई है। सर, करीब कितने का माल होगा? करीब 1.5 लाख का माल है ये। 3 बैग में 600 टी-शर्ट है। सर, आपका नाम? राजन सिंह बघेल, चौकी प्रभारी खल्टा का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।